बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को 1 अक्टूबर की सुबह पैर में गोली लग गई थी। उनकी अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से मिसफायर हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब एक्टर को 3 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बाहर आने के बाद एक्टर ने हाथ जोड़कर सभी लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने लोगों से पूजा पाठ करने और उनके लिए दुआ करने वालों को शुक्रिया कहा है। गोविंदा ने कहा कि आप सभी की कृपा और आशीर्वाद से मैं सेफ हूं। गोविंदा के चेहरे पर बाहर आने की खुशी साफ दिखाई देती है। अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा ने कहा, मैं सभी को उनकी प्रार्थनाओं दुआओं के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष रूप से अपने प्रशंसकों को मेरे लिए इतनी प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उनके प्यार के लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आपको बता दें कि गोविंदा मंगलवार सुबह 5 बजे अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे। जब गोविंदा अलमारी में अपनी रिवॉल्वर रख रहे थे तो वो अचानक हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। रिवॉल्वर से मिसफायर हुआ और गोविंदा के पैर में गोली लग गई। उस वक्त गोविंदा की पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी। उन्हें आनंद फानन में मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोविंदा को गोली लगने की जानकारी उनके मैनेजर ने दी थी।